क्या रब ने दी ये दुहाई है। तू यार मेरा दिलदार मेरा, अब तुझसे ही मेरी खुदाई है। खबरें वही जो आपको सोने ना दे। जी हाँ, आज हमारे साथ जो नवोदित कलाकार उपस्थित है, मिस्टर महफूज खान। इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये फिल्मी दुनिया का आइडिया आपको कहाँ से, प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा नहीं मिली, बेसिकली दैट वाज माय सम कह सकते हो आपके एक इंसिडेंस था मेरी लाइफ के अंदर जो 2 साल पहले हुआ, तो वो उस इंसिडेंस की वजह से आई हैव डन समथिंग जो कि आई मुझे इतना उम्मीद भी नहीं था इनफैक्ट कि इतना ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी और इतना कुछ कवर किया जाएगा। तो दैट वाज ऑसम, थैंक यू फॉर एवरीवन जो मेरे फैंस फॉलोइंग में हैं, लोग देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये उम्मीद से हट की चीज़ मिली डिफरेंटली मुझे। और दूसरी मूवी एक क्राइम कंपनी करके आ रही है जो सोशल एक चीज़ों पे निर्धारित हो रखी है, तो अब वो रिलीज़ हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 महीने के अंदर, क्राइम कंपनी। तो होप्स उससे भी मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, तो उसमें मेरा एक्टिंग है जो आजमाया है मैंने, होप्स वो आगे क्या देखते हैं उसमें। जहाँ बॉलीवुड में अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी, इमरान खान, उसके अलावा अगर हम रैपर ले लें हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह जैसे बड़े बड़े सिंगर हैं, तो ऐसे में आप खुद को कैसे जस्टिफाई करें? सी, वो लोग तो बहुत बड़े कलाकार हैं, मैं तो उनके सामने मतलब कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उनको देख के इंस्पिरेशन तो सबको मिलती है कि अरिजीत, हनी सिंह, ये सबको देख के तो हर एक इंसान चाहता है कुछ नया करने के लिए। तो मैं बेसिकली मैं इन टू द रोमांटिक जोनर, तो मैं रैप तो नहीं कर सकता उनकी तरह और अरिजीत की तरह, मैं एक रोमांटिक बिल्कुल एकदम दर्द रुला नहीं सकता किसी को, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा मौका मिले मुझे लाइफ में कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला जाए और मैं उनके साथ भी एक कोई गाना गाऊँ। जहाँ पे आमिर खान को ले लेते हैं या फिर शाहरुख खान, जिस देश ने उनको लोकल स्टार से सुपर स्टार बनाया और आज एक आसमान की बुलंदी पर जाने के बाद उसी देश के बारे में गलत बयान देते हैं, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? सी, देखो सबका अपना परसेप्शन होता है कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं है। अब ये बात तो हकीकत है कि देखो शाहरुख खान, आमिर खान आज जहाँ पर है उनके लोगों ने ही बनाया है और लोगों ही, देखो मेन चीज़ होता है हर एक कलाकार के लिए ऑडियंस होती है, तो ऑडियंस को नज़र में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर उन्होंने ऐसा कुछ विवादित बयान दिया है तो डेफिनेटली वो गलत है, और मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ और मैंने अभी मैं जितनी भी मैंने पॉपुलैरिटी, पैसा, इज़्ज़त और मोहब्बत और खाना पीना, अपनी पालन पोषण सब मैंने इंडिया में की है और मुझे आज तक कोई कभी इस चीज़ के लिए दिक्कत नहीं हुई है। मैं इस चीज़ का प्राउड भी करता हूँ कि भाई मैं इंडिया का हूँ और इंडिया में जो मैं मज़े करके ज़िंदगी को अपना बहुत आगे बहुत अच्छी तरीके से जी रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई बदलाव लेने की ज़रूरत है या भैया फिर किसी चीज़ को कॉन्ट्रीवर्सी में लेके आने की ज़रूरत है। आपका वो पल पूरे भारतवर्ष में हिट हुआ, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपको और इंशाल्लाह कि आप जो है आसमान की बुलंदी को छुए जी। कुछ अपने चाहने वाले के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरे चाहने वाले के लिए संदेश यही रहेगा कि जो करो दिल से करो और देखो कुछ करोगे तो तभी कुछ पाओगे, तो गिव एंड टेक तो रहता ही है, नेचर का रूल है ये। तो आपको अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ एक टैलेंट आपको दिखाना पड़ेगा और अगर कुछ सोचा है तो उसे करिए। मैं नहीं चाहता कि सोच के आप उसको बस सिर्फ एक दिमाग में रखो और उसको निकाल दो। अगर चीज़ कुछ करने के लिए कुछ डेडिकेशन है और सब कोई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने करा है तो डेफिनेटली मैं भी आपकी तरह ही हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो कुछ। ओके, थैंक यू महफूज खान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।